हाय फ्रेंड, मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल प्रोग्रामर प्लेटफॉर्म पर। सो फ्रेंड, आप कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो चलिए फ्रेंड, आज हम अपना नया सेशन स्टार्ट करते हैं जो कि है प्रैक्टिस सेशन। चलिए, हम लोग देखे थे पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री नंबर सिस्टम का। आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेशन नंबर सिस्टम का। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। मैंने बताया था कि बेस वैल्यू देख के हमको पता लगाना है कि वो बाइनरी में है कि हेक्साडेसिमल में है कि ऑक्टल में है। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपका 10 बेस वैल्यू दिया है। दैट मीन्स आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि ये नंबर डेसिमल वैल्यू में है, ठीक है। और यहाँ 16 दिया है, दैट मीन्स आप समझ गए होंगे ये हेक्साडेसिमल में है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए हमको क्या करना था, 357 से हमको 10 से 16 कन्वर्ट करने से हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बाइनरी निकालना पड़ेगा। तो चलिए मैं बाइनरी निकालता हूँ। इसका और एक कॉन्सेप्ट है, अगर याद है तो ठीक है, वरना मैं बाइनरी से काम करवा लूँगा। कैसे बाइनरी से देखिए, 357, इसको किससे मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा, 2 से। ओके, 2 × 2, 2 × 14, 8 × 16, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 0, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, रिमाइंडर 1, 2 × 2, 2 × 7 = 14, रिमाइंडर 0, 2 × 8 = 16, रिमाइंडर 1, 2 × 4 = 8, रिमाइंडर 0, 2 × 2 = 4, रिमाइंडर 0, 2 × 2 = 2, रिमाइंडर 0। डैट मीन्स मेरा उल्टा लिखेंगे, कैसे उल्टा लिखेंगे, ऊपर से नीचे से ऊपर, 1 0 0 0 1 0 1 0 1, ये मेरा किस में आ गया, बाइनरी में आ गया। इसको अब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। मैंने क्या कहा था, हेक्साडेसिमल आपका 2 का पावर 4 कीजिएगा तो 16 आएगा, मैंने ये बताया था। तो क्या करना है, 2 का पावर 4 = 16, मतलब हमको 4 का पेयर करना पड़ेगा। तो चलिए पीछे से 4 का पेयर करते हैं, 1 2, इधर बच गया तो इधर मैं अपने से 0 0 0 बैठा दिया, कोई प्रॉब्लम है, 0 बैठाने कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब मुझे पता है कि 0101 का वैल्यू क्या आता है, 5 आता है, मैंने कहा भूल गया हूँ तो क्या करूँ, 8421 मैंने ट्रिक बताया था, तो 8421 से क्या करना है, जहाँ जैसा वैल्यू है वहाँ लिख दो 0101। अब किस में 1 बना रहा है, 4 + 5 = 1, 5 होगा, मतलब ये वैल्यू है 5 का, क्लियर। ओके, ये तो आपको पता चल रहा है, ये 0001 है, ये 1 का है, और ये भी पता चल रहा है 1 का है। दैट मीन्स आपका आंसर क्या होगा, 115, ये आपका किस में आया, हेक्साडेसिमल में आंसर। ओके, चलिए आगे चलते हैं फिर। चलिए अब यहाँ देखिए, A1C है जो हेक्साडेसिमल में है और आपको कन्वर्ट करता है बाइनरी में। तो चलिए पहले A का वैल्यू हमको पता होना चाहिए, तो मैंने बताया था 10 11 12 13 14 15, 10 का वैल्यू होता है A, 11 का वैल्यू होता है 11 का वैल्यू होता है B, 12 का वैल्यू होता है C, 13 का वैल्यू होता है डी, 14 का वैल्यू होता है ई, और 15 का वैल्यू होता है एफ, मैंने ये बताया था। चलिए तो आपको ए का वैल्यू क्या आएगा, 10 पहले तो मैंने लिख दिया, 1 का तो 1 ही रहेगा, और सी का क्या आएगा, सी का 12 आएगा। चलिए मेरा इतना काम हो गया, अब क्या करना है, अब हमको 10 का वैल्यू बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी आपको याद होगा 10 का होता है 1010। ओके, अगर ये नहीं है तो आप निकाल लो, 10 का 1 कैसे निकलेगा, 2 × 5 = 10, ओके, रिमाइंडर 1, सॉरी रिमाइंडर 0, 2 × 2 = 4, रिमाइंडर 1, 2 × 1 = 2, रिमाइंडर 0, 1010 आया। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर और एक ट्रिक बता रहे, 8421, ठीक है, 8421। अब बताइए 8421, 10 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 8 + 2 = 10 आएगा, तो यहाँ यहाँ 1 बैठा दो, बाकी में 0 बैठा दो, आ गया। तो 10 का वैल्यू क्या आएगा, 1010, आपको पता है इसका 1 का वैल्यू क्या आएगा, 0001, और 12 का वैल्यू क्या आएगा, निकाल लो, 8412 होता है, मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा, 1100। इसका फाइनल आंसर क्या हुआ, 1010 0001 1110 0, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसको भी डाउट हो रहा है आप श्योर क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 देख के आइए नंबर सिस्टम का, बहुत ही ईजी लगेगा। और ऐसा ही क्वेश्चन हमारे कंपटीशन एग्जाम में भी आया जाता है, जिसमें आपका बैंकिंग हो गया, और अब तो CGL में भी आने वाला है, और झारखंड के वैकेंसी में भी आते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको सीखिए, कहीं डाउट हो तो आप कमेंट में पिन कीजिए,
हम उसके लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए, अब मैं ये बाइनरी में, अभी देखिए मैंने कन्वर्ट किया था। ओके तो पहले मैंने, मुझे क्या लिखना पड़ा, पहले नीचे लिख लेता हूँ, 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0, ये है। ओके मैंने क्या किया था, स्ट्रिंग के लिए आपको पेयरिंग करना पड़ेगा। कितने का पेयरिंग करना है, 4 को पेयर करो 4 से, ठीक है। ये देखिए 1, ये देखिए 2, ये देखिए 3, और ये आगे हो जाएगा, अपने से लिख लेता हूँ 0 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने पहले अभी बताया 1 0 1 0 का वैल्यू 10 होता है, इसका वैल्यू 2 होगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू देखिए 0 1 0 1 का क्या होगा, 0 1 0 1 का 5 होगा, मैंने अभी निकाला था, और इसका 3 होगा, आपको पता है 8 4 2 1 से ट्रिक निकालिए। अब देखिए बाबू, 3 5 2 10 तो आ रहा है, लेकिन 10 को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्साडेसिमल में ए बोलते हैं, तो क्या इसका आंसर आया फाइनल, 3 5 2 ए। ओके ये आपका हेक्साडेसिमल में आ जाएगा। ओके चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आई होप समझ में आ रही होगी आप लोग को। चलिए अब देखिए, फिर से देखिए, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है, क्या करें, कुछ मत कीजिए, 1 2 5 है ना, इसको अब थ्री का पेयर में तोड़िए, थ्री का पेयर में क्या आएगा, इसका वैल्यू आता है 1 0 1, इसका वैल्यू आता है 0 1 0 में लिखना पड़ेगा, और इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 0 1 आएगा। ये आपको प्रीवियस क्लास में मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, ऑक्टल से बाइनरी कैसे निकालना है, या फिर 4 to 1 वाला ट्रिक भी बताया हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर फाइनली क्या आएगा, 0 0 1 0 1 0 1 0 1। अब मुझे क्या करना है, अब इसको 4 का पेयर करना है, ये देखिए 1, ये देखिए 2। ओके तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 5 आएगा, और इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा, मतलब 25 25 इसका हेक्साडेसिमल में आएगा, क्लियर। ओके चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, एक मिनट एक मिनट, ये हो गया, सॉरी। इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गया, क्या हुआ, ये आपका रॉन्ग हो गया, फिर देख लीजिए, 0 0 1 0 1 0 1 0 1। ओके ये 4 का पेयर, इसको हम लोग 5 बोलेंगे, और ये भी 4 का पेयर है ना, ये भी 5 आएगा, इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 55। ओके मैंने एक जीरो का ध्यान नहीं दिया था, इसलिए ऐसा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए A1 16, फिर देखिए A1 16, ए को हम क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, और इसको 1 लिखेंगे, इसको पहले तोड़ो क्या आएगा, 1 0 1 0 आएगा, और इसको तोड़ो क्या आएगा, 0 0 0 1 आएगा। ओके 8 में क्या करना है, 3 का पेयर करना है, ये देखिए 3 का पेयर, ये देखिए 3 का पेयर, और बाकी जो बचा ये 3 का पेयर, इसका वैल्यू होगा 1, इसका वैल्यू होगा 4, इसका वैल्यू होगा 2, इसका मतलब क्या होगा, 2 4 1 ऑक्टल में फाइनल आंसर। ओके बहुत इजी लग रही है ना, क्योंकि हम लोग नंबर सिस्टम पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 अच्छे से पढ़ लिए, इसीलिए हम लोग को इजी लग रही है, ठीक है। जिनको भी डाउट है वो पक्का क्लियर हो जाएगा, आप नंबर 1 सिस्टम 1 2 3 चैनल में देख लो। ओके आगे बढ़ते हैं, चलिए C1F, फिर से वही चीज़, सी का वैल्यू क्या आएगा, फिर से मैं लिख देता हूँ, देखिए 10 11 12 13 14 15, याद कर लीजिए, ये हो गया ए, ये बी, ये सी। ओके तो ये डी, ये ई, और ये एफ, तो ध्यान से देखिए, सी मेरा क्या है भाई, सी मुझे, सी हम लोग 12 को बोलते हैं, ठीक है, 1 तो 1 होगा, 1 तो 1 होगा, और एफ क्या होगा, एफ मेरा 15 हो गया, क्लियर यहाँ तक। चलिए 12 का वैल्यू अभी मैंने निकाला था, भूल गए, चलिए 8 4 2 1 कर लीजिए, 1 1 आएगा, 1 1 0 0, 15 का 1 1 1 1 आप कर लीजिए, इसका 0 0 0 1 हो गया यहाँ तक। चलिए मैं लिख लेता 1 1 0 0 0 0 0 1 और 1 1 1 1, देखिए बहुत बड़ा डिजिट आ गया, आ गया ना, अब मुझे कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, चलिए करके देखते हैं, वरना आपके आप पे छोड़ता हूँ मैं, ठीक है। ये हो जाएगा 2 का पावर 0, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का 5, 2 का 6, 2 का 7, 2 का 8, 2 का 9, 2 का 10, 2 का 11, आप सबको ऐड कीजिएगा, जितना आएगा वह आंसर हो जाएगा। ओके चलिए इतना तो आप कर ही सकते हैं कैलकुलेशन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए ये देखिए 1 0 1 0, ठीक है उसको मैं इजी में बता देता हूँ, 1 0 1 0, इसको कुछ मत कीजिए, वही चीज़ की है, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, है ना। चलिए इसका वैल्यू तो 1 होगा, 1 × 0 क्या होगा, 0 प्लस 2 का पावर 1, 2, 2 × 1 2, 2 का 2 4, 4 × 0 4 0, 8 8 × 1 8, 2 4 16 × 0 0, 32 × 1, सबको ऐड कीजिए, 42 आंसर, ठीक है। ओके
आप पक्का नंबर सिस्टम पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री देखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा मैं कैसे बता रहा हूँ, ठीक है। और जो पढ़े उनको तो ईजी लग ही रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी वही चीज़ क्वेश्चन आया, 1000 1000 1001 0001। क्या करना है सर, 8 में कन्वर्ट करना है। 8 में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए, थीटा पेयर चाहिए। चलिए 1 2 3 4 और इधर 5, ठीक है। ये हो गया 1 का, ये हो गया 5 का, ये 0 का, ये 1 का और ये 2 का। आंसर फाइनली आंसर क्या हुआ, 21051। चलिए ठीक है, ओके। चलिए अब फिर हम लोग आते हैं, अब इसको हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है। सॉरी ये 16 आपका यहाँ पे होगा, 16, ओके। चलिए 1011 1011 0101 0101 1011, ओके। क्या करना है सर, 4 का पेयर कीजिए, ठीक है, ओके ओके। और इधर अपने से 0 0 लगा लीजिए। मैंने फिर अभी बताया 15 होता है इसका, आप जानिए 6 होता है, ठीक है। इसका क्या होगा, 1101 का 8421, 8 + 4 12, 12 + 1 13, ओके। इसका क्या होगा सर जी, इसका वही चीज़ हो गया, देख लीजिए ना भैया, 8421, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 0, क्या होगा, 8 + 4 12, 12 + 4 2 14, 14 यहाँ हो गया और इसका आंसर 2 होगा। अब फिर याद कीजिए, 15 का वैल्यू होता है F, याद है ना, इसका वैल्यू होता है D, इसका वैल्यू होता है E, इसका कुछ नहीं। फाइनल आंसर क्या हुआ सर जी, 2। फाइनल आंसर क्या हुआ, ऊपर से लिखिएगा 2ED6F, देख रहे हैं आंसर, ओके। जो नहीं पढ़ा वो तो बोलेगा सर D कहाँ से आया, F कहाँ से आया, आज इसीलिए बोल रहा हूँ, प्रीवियस क्लास देख लीजिए अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। तो आज का हमारा क्लास यहीं तक था, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो आपको और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट लाइन में पिन कर सकते हैं, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है और आपको कुछ सीखने को मिल रही है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस भी कर सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए, और आप हमको ज़रूर बताइए कि आपको और कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है जिसमें आपको डाउट हो, मैं इजी मेथड में आपको बताऊंगा। थैंक यू।